तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज के एक और नमस्त ब्लॉग के साथ। तो आप लोग को पता ही होगा मैं बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बना रहा था। ये चेक करो हमारा सुपर बाइक बीस्ट, और इधर देखो आशिक बात कर रहा है। फिलहाल भाई लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये देखो। का कॉल नहीं। फिलहाल आज मैं जा रहा हूँ पड़ी तालाब, वहाँ कुछ ऐसा मानते हैं कि तालाब चमत्कारी है, तो आज वहीं जा रहे हैं। वहाँ का आपको पूरा व्लॉग शूट करके दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ से चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको सीधा सामने जा। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे थे पेंड्री तालाब, और यहाँ पे हम लोग चिल करने के लिए रुके हैं, थोड़ा पानी वानी पीने के लिए। ये देख करो भाई लोग थोड़ा बात बहस हो रहे हैं, ये लोग मेंशन के मामले में। तो इंस्टाग्राम पे बढ़िया बढ़िया रील डालता हूँ, आपको लिंक दे दूँगा यहीं पे डिस्क्रिप्शन पे, और यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का नाम दे दूँगा स्क्रीन पे। तो चलो आपको सीधा मिलते हैं पेंड्री तालाब पहुँच के। Living in a fantasy. When I kiss her, I don't know where we're going. I don't know at all. Hey guys, हम पहुंच चुके हैं पेंड्री तालाब, और ये चेक करो यहाँ पे है चेक पोस्ट। भाई गया है उधर गाड़ी रखने, तो फिलहाल चलते सीधा तालाब के पास और कुछ लोगों का इंटरव्यू लेंगे, और नहीं भी ले सकते हैं हम अपना वीडियो शूट करके फिर यहाँ से निकलेंगे मुंगेली, नहीं तो फिर सीधा घर जाएंगे। तो चलो आपको सीधा दिखाते हैं तालाब का माहौल। हम लोग जा रहे हैं गुलशन रो के पास, क्या पता कहाँ गुम हो गया, गाड़ी रखने गया था। इधर का माहौल देखो, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ये चेक करो सामने, और इसके उस साइड जो है तालाब है। तो फिलहाल गुलशन भाई आएगा, उसके बाद चलेंगे तालाब के मेन साइड, और हम लोग आज एक स्कूटी भी करने वाले हैं, उसका आपको एक चेक कराऊंगा। और ये चेक करो आ गया, बहुत देर से गुम हो गया था। तो अभी चलो आपको सीधा फ्रंट साइड पे लेके चलते हैं, उसके बाद आपको पूरा वीडियो का जो है मतलब तालाब का जो है जानकारी देते हैं। फिलहाल चलो आपको मिलते हैं। पहुँच चुका हूँ मेन साइड पे, ये चेक करो तालाब, काफ़ी लोग नहा रहे हैं, काफ़ी श्रद्धा भक्ति के साथ आते हैं यहाँ पे नहाने। और मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ जो कि शुरू होगा अगले हफ्ते से, तो वो आप ब्लॉग देखना अगले हफ्ते। फिलहाल ये सामने चेक करो, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ का माहौल है, और देखते हैं थोड़ा बहुत और शूट करेंगे उसके बाद। देखते हैं एक दो लोगों को पढ़ते हैं और थोड़ा इंटरव्यू लेंगे। इस तालाब को फेमस हुए 4 से 5 महीना हो गया, क्या अभी तक ये वैसा ही असर करता है जैसे पहले दिन पे करता था। तो चलो एक दो लोग को पढ़ते हैं, और फिलहाल ये चेक करो सामने, ये वो तालाब है। पिछले टाइम इसका मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाया था, मेरा तबियत खराब था इसलिए नहीं कर पाया था। यहाँ पर नहाया तो सब कुछ एकदम शांत हो गया। ये चेक करो, एक सिनेमेटिक चेक करो, उसके बाद चलते हैं उस साइड पर। तो वैसे एक बात और बता दूँ, ये चेक करो जब से यह तालाब फेमस हुआ है पूरा उधर पूरा लाइन से पूरा दुकान उकान लग गया है, सब लोगों का जो है रोजगार चल रहा है, इसका भी रोजगार चलेगा कुछ दिन बाद। फिलहाल चलो एक कोई भी आदमी को पकड़ते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम आए थे पेंड्री तालाब, हमको मिले हमारे चाचा जी, तो हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे इस तालाब के बारे में, इंटरव्यू टाइप। तो भैया आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? मैं तो इस बार तीसरा दिन है, तीसरा सोमवार है मेरा आने में जी। अब मैं बहुत सौभाग्य की बात है कि तालाब में आने के लिए हम लोग बहुत देर से दूसरा दिन कर चुके हैं जी। ये समागम बहुत बड़ा समागम है जी। ये मानव एक लेके रखा गया है। ये बताइए, जैसे तालाब शुरू में फेमस हुआ था यही कुछ 4-5 महीना पहले, तो उसी हिसाब से अभी भी वही चमत्कार हो रहा है अभी या कम हो गया है? ऐसा वही चमत्कार, अभी चमत्कारी में कोई कमी नहीं है। जैसे हम लोग तो अभी लेट में आए हैं, थोड़ा सुबह टाइम जैसे अभी भीड़ है, इसे कुछ ज्यादा भीड़ होता है? बहुत बहुत भीड़ होता है, लाखों श्रद्धालु आते हैं, बहुत से लाखों आदमी आ रहे हैं, प्रति सोमवार गुरुवार को प्रतिदिन आ रहे हैं, बढ़िया खाए हो रहे हैं बाबा जी का आशीर्वाद से।
और ये दूर दराज काटने के लिए संत समागम के लिए रखा गया पेंडी भरा तालाब तो पूरा विश्व में एक तालाब बना दिए बाबा जी ने हमारे लिए हमारे सतनामी समाज के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये सब हो रहा है और हमारे जरिए बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा इसके लिए रहने वाला हूँ तो हमारे चाचा जी आए हैं जिला बलौदा बाजार से तो एक चाचा जी का इंटरव्यू लेके आ चुके हैं जो कि वो बताएं आपको पूरा पता चलेगा आप हम लोग जा रहे हैं सामने साइड एक आध लोगों को और पकड़ेंगे और ये साथ मेरे भाई लोग वे चलते हैं थोड़ा और पूछताछ करते हैं थोड़ा जानकारी और लेते हैं तो वीडियो को आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था ये हमारे सतनामी समाज के लिए थोड़ा ये बहुत गर्व की बात है कि ये तालाब फेमस हुआ तो चलो अब आज लोगों को पकड़ के तालाब पहली के प्रमाणिक तालाब है ऐसे तालाब है हमारे खेत पे हमारे गांव में रोग रही आता है इस तालाब में जाके एक नायक है जो नायक बेचारा है कुछ बीमारी रहा है उसका नायक थोड़ा पानी रहा है उसमें नहाई ऊपर दिल शांत हो गए वहाँ हाथ को तालाब में तो तालाब को खुदाई कही गाँव के बड़ी तालाब हो हमारे तालाब में जो बह रही तो फाफा भिरगा हमारे खेत से गंगाई होत रही मरिया डोर के सीमा पे दे देना और छींटते रहें तीन कौन मत हमारे गांव के तालाब के पानी छींटे में हमारे खेत के रोग राई सब दूर दलिदर गरुआ बछरू के जो फटका बीमारी वो भी शांत होते हमारे गांव के नहाए में तो अभी हमारे गांव के नहाने वाला आई पहली ध्रुव सागर में कही दुख दूर हो जाए तो नहा के चल दी वो ऐसे आ रहा 10 लाख रुपए लगा के सागर में आई महिमा देख के नहाई वो तालाब एक घनश्यान हमारे कब्जा करे थे फोटो खींच के लेके के वो मोबाइल द्वारा दे दी तुम तो कहा जागे हो भाई तालाब में तू हरत का शक्ति भक्ति कही वहाँ से समलपुर के आ गए समलपुर के भी काफी ज्यादा भीड़ है ये चेक करो नारियल हजारों करोड़ों की संख्या में तालाब के अंदर भी है बहुत ज्यादा नारियल फिलहाल अब यहाँ से चलेंगे हम लोग आम पब्लिक का उसके बाद आपको मिलते हैं हम लोग तो हमारे संत बाबा जी लोग का इंटरव्यू ले चुके हैं अब यहाँ की आम पब्लिक जो है इंटरव्यू देने के लिए राजी नहीं हो रही है अब क्या कर भी क्या सकते हैं उनको भी थोड़ा लग रहा है ना कैमरा के सामने आने से डर लग रहा है इसलिए फिलहाल अभी हम लोग इधर जा ही रहे हैं ये चेक करो तालाब एक बार और दिखा दूँ यहाँ चल रहे हैं फ़ोटो शूट अच्छा ये वाला जगह थोड़ा आसिक वासिक लोग नहीं आते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगा और फिर हम लोग यहाँ इसके बाद निकलेंगे सीधा घर के लिए कई सब वक्त आ चुका है घर जाने का ये चेक करो सामने पेंडी तालाब और हम लोग वहाँ संत लोग थे और इंटरव्यू लिए और वो चचा जी ये हैं उतना टाइम इंटरव्यू लिए थे ये चेक करो तालाब एक बार और चेक कर लो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है एक बार 360 व्यू देख लो हम लोग अभी वहाँ पे गए थे वो बाबा जी लोगों से थोड़ा इंटरव्यू लिए अब यहाँ से घर जाने का वक्त आ चुका है तो चलो अब सीधा यहाँ से निकलते हैं घर के लिए और ये हमारे सतनामी समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये गुरु घासीदास बाबा जी के और अमरदास बाबा जी के नाम से फेमस हुआ तो चलो अब यहाँ से सीधा निकलते हैं घर के लिए Living in a fantasy away.